नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। दो साल पहले विधवा हुई महिला अपने दो बच्चों को मारने का कर रही है प्रयास। 13 साल के बेटे ने लगाई एसएसपी से इंसाफ की गुहार। गांव अहमदपुर बसामदपुर थाना भोजपुर में एक महिला का अपने बच्चों के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मोहम्मद रफी पुत्र नन्ने की शादी 15 साल पहले आरिफा निवासी मानपुर के साथ इस्लामी रीति रिवाज के साथ हुई थी, जिससे 13 साल पहले बेटी और बेटा पैदा हुए। मगर 2 साल के बाद मोहम्मद रफी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद महिला का चाल चलन बिगड़ गया और वह अपने दोनों बच्चों को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। फरार होने के 6 महीने बाद बच्चों को अपने साथ रखने लगी, मगर बच्चे समझदार होने के बाद मां के गलत कामों का विरोध करने लगे। महिला को लगा कि बच्चे कहीं राज ना खोल दें, इसके डर से वह अपने आशिक के साथ मिलकर बच्चों को मारने का प्रयास करने लगी, जिससे तंग आकर अपनी जान के खतरे के चलते 13 वर्षीय बेटे ने अपने दादा के साथ मिलकर एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। एसएसपी के पास आया। क्या नाम है आपका? नन्ने, मोहम्मद नन्ने। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे लड़के की घरवाली थी, लड़का खत्म हो गया, उसके बाद में उसने गलत रास्ता इख्तियार किया। उसने मतलब लड़कों से आना जाना चालू कर दिया। हमने रात को देखा बहुत कुछ उसका, वो जो ही फिर भी नहीं मानी। हमने समझाने की कोशिश करी, नहीं मानी। जब नहीं मानी फिर उसने क्या काम करा, हमारे ऊपर पहले मेरे ऊपर बलात्कार का केस लगाया, फिर मेरे बच्चों पर लगाया, फिर लड़के पर लगाया, आज मुकदमा भी कायम करा दिया। फिर उसके बाद उसने अपने बेटे को मरवाने की धमकी दी और उससे वीडियो कॉल करके दुश्मन से कहने लगी अपने यार से कि मेरे बेटे को मरवा दिया जाए। और उसके बाद में इस मैं अपने देवर पर और अपने ससुर पर डाल दूँगी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है आरिफा, मानपुर के रहने वाली है। उसके बाप का नाम वाजिद। तो कितने साल हो गए लड़के को? हो गए करीब दो साल दो चार महीने। उनका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद रफी। थाना कौन सा पड़ता है? भोजपुर। क्या चाहते हो आज आप कहाँ आए? हम एसएसपी के पास आए हुए हैं शिकायत करने के लिए। कल को हमारे बेटे को या हमारे बेटे को मार ना सके और हम पे कोई भी इल्ज़ाम ना लगे, वो हम उससे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। ना हम जमीन हवेली का कोई मालिक नहीं, हमारा मालिक पोती पोता है, उसे हम अपना अलग रखना चाहते हैं, वो हमारे जाने कहीं नहीं जाए। क्या कहा एसएसपी साहब ने? उन्होंने कह दिया देख कर मतलब इसकी खबर पुलिस को पहुँचेगी, आपको फोन होगा, उसके बाद में उसे पकड़ा जाएगा। ओके। क्या नाम? सोहिल। क्या परेशानी है तुम्हें? मेरी अम्मी काम करती है, मैंने उसको मारना चाहता। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी अम्मी का? अलीफा। और पापा का नाम क्या? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अच्छा, तो अब तुम कहाँ हुए हो? जब बसाऊं